सुप्रीम त्रिपुरा में 60 सभ्यों ने विधानसभा माटे मतदान करवामां आवी रह्युं छे। आ मतदान सांजे 4 वाग्या सुधी योजाशे। 60 बैठक माटे 259 उम्मीदवारोना भावि नक्की थवाना छे। तो राज्य में 3337 मतदान मथकों पर मतदान करवामां आवी रह्युं छे, जेमांथी 1100 संवेदनशील अने 28 अति संवेदनशील तरीके ओळखवामां आव्या छे। तो आ वखते चूंटणी में भाजप आईपीएफटी गठबंधन सीपीएम सीपीआई कांग्रेस गठबंधन अने टीपरा मोथा पूर्वोत्तर राज्यना भूतपूर्व राजवी परिवार वंशजों द्वारा रचायेला प्रादेशिक पक्ष मैदान में छे अने मत गणतरी 2 मार्चे हाथ धरवामां आवशे। तो चूंटणी माटे 31,000 कर्मचारीओ अने केन्द्रीय दळोना 25,000 कर्मचारीओने तैनात करवामां आव्या छे। मैं 5 बजे से लाइन में खड़ा हुआ हूँ वोट देने के लिए। ये जो 54 नंबर बूथ है, तो वोट देने के लिए लाइन पर खड़ा हूँ। बड़े इंतजार में, बहुत खुशी में वोट देने के लिए आया हूँ। अच्छा से अच्छा लग रहा हूँ वोट देने के लिए आया है। पहले दिया, मतलब विधानसभा वोट के नहीं दिया, वैसे जो पंचायत का वोट होता है उसमें दिया। अच्छा, ओके। आपको कैसा फील हो रहा है? एक्साइटेड है हूँ बहुत ही देने के लिए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आवकवेरा विभागे सतत 3 दिवसे सर्वे हाथ धरो छे। तो आ दरमियान बीबीसीए पण तेना कर्मचारीओ ने मेल द्वारा कार्यवाही में सहयोग करवा माटे तेमना अंगत आवकनी विगतो अंगे माहिती आपवा माटे जणाव्यु छे। बीबीए तेना कर्मचारीओ ने वर्क फ्रॉम होम नु सूचन कर्यु छे। कर्मचारीओए पोतानी व्यक्तिगत आवक संबंधित सवालों ने बने त्यां सुधी जवाब टाळे तेवुं सूचन कर्यु छे। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी फरियादों अंगे आवकवेरा विभाग द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। तो आ तपास में लांबो समय लागी सके छे। आ कार्यवाही अंगे अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता नेड प्राइसे कह्युं छे कि अमने आ दरोड़ा विषय माहिती मळी छे, अमे दुनियाभर में स्वतंत्र प्रेस ना महत्वनु समर्थन करीए छीए। गुजरात हिंसा दस्तावेजी फिल्म पर चाली रहेला विवाद वच्चे आवकवेरा विभागे दिल्ली अने मुंबई में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफिस पर सर्वे की कामगीरी हाथ धरी छे। आ सर्वे सतत बीजा दिवसे 3 दिवसे पण हाथ धरवामां आव्यो, त्यारे आ पहेला आवकवेरा विभागनी कार्यवाही अंगे बीबीसीए एक निवेदन में जणाव्युं हतुं कि अमे आशा राखीए छीए कि आ स्थिति वहेली तके उकेलाई जशे। तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन दिल्ली मुंबई ऑफिस पर आवकवेरा विभाग की कार्यवाही यथावत छे। तो आ दरमियान बीबीसीए पण तेना कर्मचारियों ने मेल द्वारा कार्यवाही में सहयोग करवा अने तेमनी अंगत आवकनी विगतो अंगे माहिती आपवा माटे जणाव्यु छे। तो बीबीसीए तेना कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम नु सूचन अने कर्मचारियों ने पोतानी व्यक्तिगत आवक संबंधित सवाल नो बने त्यां सुधी जवाब टाळवा माटे सूचन कर्युं छे। टाइम्स ऑफ इंडियाना अहેવાલમાં વધુ જણાવવામાં આવ્યું છે કે કર્મચારીઓને તેમના પગારને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય તો તેમાં સહકાર આપવા અને સહયોગ અને પ્રમાણિકતાથી જવાબ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે। આવકવેરા વિભાગ દ્વારા 2012 થી લઈને અત્યાર સુધીના દસ્તાવેજો ચકાસવામાં આવી રહ્યા છે। તો આવકવેરા વિભાગ બીબીસીના કર્મચારીઓને સહયોગ કરવા કહ્યું છે। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी फरियादों अंगे आवकवेरा विभाग द्वारा तपास हाथ धरवामां आवी रही छे। तो आ कार्यवाही अंगे अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता नेड प्राइसे कह्युं छे कि अमने पण आ दरोड़ा विषे माहिती मळी छे, अमे दुनियाभर में स्वतंत्र प्रेस ना महत्वनुं समर्थन करीए छीए। तो कोइम्बतूर अने मंगलुरुमां गत वर्षे थयेला विस्फोट मामले राष्ट्रीय तपास एजेंसीए तपाई बोलावी छे, तेमज बुधवारे सवारे तमिलनाडु कर्नाटक अने केरळमां दरोड़ा पाड्या। तो आ दरोड़ा गुपचुप रीते आईएस संलग्न लोकोना त्यां पाड़वामां आव्या, जेना कारणे खळभळाट मची गयो। वर्ष 2022 कोइम्बतूरनी पासे उक्कडमां कार विस्फोट थयो हतो, जेमां 29 वर्षना जमीशा मुबीननुं मौत थयुं हतुं। त्यारे एनआईएए डिसेम्बरमां 2 आरोपीओ शेख हिदायतुल्लाह अने सनोफर अली की धरपकड़ करी हती। तो आ मामले अत्यार सुधी में 11 लोगों की धरपकड़ करवामां आवी छे। मुख्य आरोपी जमेशा मुबीन आईएस तो सभ्य छे, ते आत्मघाती हुमला ने अंजाम आपवा अने समुदाय में आतंक फैलावाना इरादे मंदिर परिसर में व्यापक नुकसान पहुंचाड़वानी योजना घड़ी रह्यो हतो। शुरुआतना केस में कोइम्बतूर ना उड़क्कम तमिलनाडु में नोंधवामां आव्यो हतो, त्यारबाद केस ने एनआईए पोताना हाथ में लई लीधो हतो। झारखंड
पलामू में बे समुदायों वच्चे विवाद बाद स्थिति तंग बनी गई थी त्यारे जेना कारणे शहर में कलम 144 लागू करवामां आवी छे। तो समाचार मुजब शिवरात्रि माटे तोरण द्वार बनावाना मुद्दे विवाद थयो जे बाद बन्ने तरफथी पत्थरमारो अने आगचंपी थई हती जेमां घणा लोको घायल थया छे। समाचार अनुसार शिवरात्रि माटे पलामूना पंखी बजार में एक समुदाय द्वारा कमान बनावामां आवी रही हती जेना कारणे अन्य समुदाय साथे विवाद थयो अने टूंक समय में ज विवाद एटलो वधी गयो कि बन्ने पक्षों तरफ थी पत्थरमारो अने आगचंपी शुरू थई गई हती। पत्थरमारा में 6 लोको घायल थया होवाना अहेवाल छे। तो माहिती मळ्या बाद 3 पोलीस स्टेशननी टीमो घटनास्थले पहोंची अने परिस्थितिने काबूमां लीधी। सावचेतीना पगला तरीके शहेरमां 144 लागू करवामां आवी छे। तो एसपी सीके सिन्हाए कह्युं कि आरोपीओ सामे कडक कार्यवाही करवामां आवशे। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में वाइब्रंट विलेज योजना ने मंजूरी आपी दी है। आ प्रोग्राम माटे नाणेकीय वर्ष 2022-23 और 2025-26 सुधी 4,800 करोड़ रूपया की फाड़वणी करवामां आवी छे। आ स्कीम थी सरहद पर एक तरफ सुरक्षा मजबूत थशे तो गामडाओ छोड़ी शहरों तरफ गति करनारा लोकोनी संख्या में पण घटाडो थशे। तेमज आवा लोकोने गामडाओमां पुनः लावाना प्रयासों पण करवामां आवशे। तो अहीं स्किल डेवलपमेंट अने आंत्रप्रन्योरशिप प्रोत्साहन आपवामां आवशे। स्थानिक प्रोडक्शन ने प्रमोट कराशे। तो सरहदनी सुरक्षानी दृष्टिए केन्द्र सरकारे आ एक महत्वनो निर्णय लीधो छे। तो भारत अने चीनी सरहद पर तैनात रहेला अर्धसैनिको दल आईटीबीपी 7 अने बटालियन गठन कराशे। 2,966 गांव बनते हैं तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये पांच, ये चैन के चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज इसमें आती हैं, जिसके 19 जिलों के 46 बॉर्डर ब्लॉक के 2,966 गांव को इसमें सम्मिलित किया गया है। और पहले चरण में 662 गांव इस पे काम शुरू किया जाएगा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंदर। सो मतलब केंद्रीय कैबिनेट हिमाचल प्रदेश की सिंकुलना टनल निर्माण कार्य ने मंजूरी आपी छे जेथी लद्दाख माटे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मिली सकशे। आ टनल की लंबाई 4.8 किलोमीटर हशे जेना निर्माण पाछळ 1,600 करोड़ खर्च थशे। तो आ टनल नु निर्माण थवाथी सैन्य दळों की जमीन में मूवमेंट वधशे। तो आ उपरांत केन्द्रीय कैबिनेटे भारत चीन एलसी पर तैनात रहना आईटीबीपी 7 नवी बटालियन 9,400 कर्मचारी एक साथ ऑपरेशनल बेज की मंजूरी आप। मनाली उपसी ले पर इस रास्ते पर अटल टनल बनी है। ये तीसरा बिल्कुल अलग है जो सबसे छोटा है, नीमू पदम दारचा मार्ग, ये इसका नाम है, जो जंस्कार वैली से भी जोड़ेगा। टनल 4.1 किलोमीटर की बनेगी और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट लद्दाख वैली को देश के साथ जोड़ने का होगा, जिसके ऊपर 1,681.51 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगावामां आवेला आरोपों ने ध्यान में राखी अदाणी जूथनी कंपनीओ सामे सुप्रीम कोर्ट में वधु एक अरजी थई छे, जेना पर सुनावणी माटे सुप्रीम कोर्टे राजी थई छे। अदाणी जूथनी कंपनीओ सामे सुप्रीम कोर्टना जजनी अध्यक्षतामां तपास करवानी मांगने लईने नवी अरजी करवामां आवी छे, जेने लईने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अने जस्टिस पीएस नरसिम्हानी बेंचे आ अरजी पर ध्यान आपता कह्युं छे कि आ अरजी पर झड़पथी सुनावणीनी जरूर छे। कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दाखल करवामां आवेली अरजी पर सुनावणी माटे 17 फेब्रुआरी नो दिवस नक्की करायो छे। कांग्रेस नेता जया ठाकुरे एलआईसी अने एसबीआई नी अदाणी एंटरप्राइज मां मोटा प्रमाणमां जाहिर धनना रोकाणनी भूमिकानी पास माटे निर्देश आपवानी मांग करी छे। संसदना बजेट सत्र स्थगित थया बाद पण अदाणी जूथना विवाद पर तपास मामले कांग्रेसनी मांग यथावत छे। कांग्रेस महासचिव प्रभारी जयराम रमेशे भारतीय रिजर्व बैंकना गवर्नर शक्तिकांत दास सेबीना अध्यक्ष माधबूपुरी बुचने पत्र लख्यो छे, तेमज अदाणी समूहनी विरुद्ध हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगावामां आवेली तपासनी मांगणी करी छे। जयराम रमेशे पोताना पत्रमां केन्द्रीय बेंचने आ मुद्दे जोड़ायेला बे मुद्दाओ पर ऊंडाणपूर्वक विचार करवानो आग्रह कर्यो छे। कांग्रेस नेता जयराम रमेशे पत्र में लिख्यू है कि आरबीआईए आर्थिक स्थिरता माटेना जोखमों की तपास और नियंत्रण की खातरी करनी चाहिए। सेबीना वड़ा ने जयराम रमेशे संपूर्ण अने कोईपण पक्षपात वगरनी तपास की मांग करी है।
जयराम रमेश पत्र में कहवामां आव्युं छे के पक्षपात वगर की तपास करवामां कोई पण निष्फळता भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नन्स अने भारतना नाणाकीय नियमनकारो पर खराब असर करशे। ते वैश्विक स्तरे भंडोळ एकत्र करवानी अमारी क्षमताने पण असर करी शके छे। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ना पुत्र अब्दुल्ला आजम धारासभ्य पद छीनवायुं छे। अब्दुल आजम की सवार टांडा बैठक पर फरी चूंटणी योजावा जई रही है। विधानसभा सचिव तरफ थी सूचना जाहिर करवामां आवी छे के सवार टांडा बैठक पर फरी चूंटणी योजाशे। अगाउ अब्दुल्ला आजम धारासभ्य पद छीनवायुं छे तो खोटा प्रमाणपत्र केस में तेमनी बे वर्ष ने सजा थई छे जेना कारणे तेमनुं धारासभ्य पद छीनवायुं छे। उल्लेखनीय छे के 15 वर्ष सुधी जूना केस में आजम खान दोषी ठरेला हता अने मुरादाबादनी अदालते तेमने बे वर्षनी सजा फटकारी छे जेथी विधानसभा सचिवालये तेमनुं सभ्य पद छीनवी लीधुं छे। तो भोपालना बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर फरी एक वक्त मैदाने छे। तेओ वक्फ बोर्ड की जेम हिंदुओं माटे सनातन बोर्ड बनावानी मांग करी रहा छे। तेमणे कह्युं छे के मोदी शासन में हवे हिंदुओं ने न्याय मळी रह्यो छे परंतु अन्य पंथनी जेम हिंदू धर्म माटे पण सनातन बोर्ड होवो जोईए। जो कि मुस्लिमों माटे वक्फ बोर्ड की प्रजा प्रज्ञा ठाकुर सनातन बोर्ड की रचवानी मांग करी छे। वधुमां तेमणे कह्युं छे के तेनाथी आपणा अगणित मंदिरों स्वतंत्र बनशे अने तेमां भव्यता आवशे। प्रज्ञा ठाकुरे एवी मांग पण करी छे के हिंदू धर्म कायदा पर चाले छे परंतु विडंबना ए छे के हिंदू मंदिरों ना ट्रस्ट सरकार ना हाथ में छे। तेओ मुक्त हवा छता हिंदुओं की संपत्ति हिंदुओं माटे उपयोगी होवी जोईए। आ पैसा सनातन ना विकास माटे वापरवा जोईए। और हिंदू का धन, हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हिंदुओं के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके रोग निदान में, मंदिरों के भव्य निर्माण में और हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है और इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए और इसकी कुछ और चीजें इसमें सम्मिलित करके इसकी डिमांड रखना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अयोध्या में 100 एकड़ जमीन मुख्यालय बनावा माटे मांगी छे। आ मुख्यालय में संघ ना कार्यकर्ताओं ने रहेवानी व्यवस्था हशे। संघ साथे जोड़ायेला लोको आ जमीन ग्रीन फील्डशिप योजना में इच्छे छे। हाल आरएसएस नुं मुख्यालय नागपुर में छे। जो संघ ने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड माटे जमीन फाड़वामां आवे छे तो अहीं तेनुं मुख्यालय बनी जशे। तो संघ नुं देशनुं आ सौथी मोटुं मुख्यालय बनी जशे। 27 सप्टेम्बर 1925 विजयादशमी दिवसे आरएसएस की स्थापना करवामां आवी हती। 2025 में संगठन 100 वर्ष नुं थई जशे एटले के आ वर्ष आरएसएस की स्थापना नुं शताब्दी वर्ष हशे। मेघालय विधानसभा चूंटणी ने लईने राजकीय पार्टी प्रचार धमधमाट वच्चे भाजपे पोतानो चूंटणी ढंढेरो जाहिर कर्यो। तेमज राज्य में फरी भाजपनी सरकार बनता सातमो पगार पंच लागू करवानी जाहेरात पण करी। भाजपना संकल्प पत्र में महिलाओं माटे केटली योजनाओं की जाहरात करवामां आवी छे। तो भाजपना अध्यक्ष जेपी नड्डाए कह्युं के मेघालय में दीकरी जन्मशे तेना परिवारना 50,000 रूपियाना सरकार बॉन्ड आपशे। तो दीकरीओ माटे जुनियर केजी थी लईने पोस्ट ग्रेज्युएशन सुधीना अभ्यासनी जवाबदारी उपाड़शे। तो आ उपरांत सरकार विधवा महिलाओं अने सिंगल मधर्स माटे वार्षिक 24,000 रूपियानी आर्थिक मददनी योजना लावशे जेथी तेमने पगभर थवामां मददरूप थई शकाय। जेपी नड्डाए खेडूत अने परिवारों माटे मोटी जाहरात करी छे। तेमणे कह्युं छे के पीएम खेडूत सन्मान निधि योजना हेठळ खेडूतोने मळनारी धनराशिमां 2,000 रूपियानो वधारो कराशे। तो आ उपरांत उज्ज्वला योजना हेठळ लाभार्थी परिवारने 2 एलपीजी सिलिंडर पण आपवामां आवशे। दिल्हीना नजफगढ़मां एक 24 वर्षना युवके कथित रीते तेना लिव इन पार्टनरनी हत्या करी नाखी। तो आरोपीनुं नाम साहिल गहलोत छे। आरोपीनुं कहेवुं छे के तेणे 9 अने 10 फेब्रुआरीनी रात्रे तेनी गर्लफ्रेंडनी हत्या करी हती। आरोपी साहिलनुं कहेवुं छे के तेणे निक्की साथेना तेना संबंध विशे तेना परिवारजनोने जाण करी न हती। तेना परिवारे तेना लग्न अन्य युवती साथे नक्की कर्या हता। जे मामले निक्कीने जाण थता बंने वच्चे बोलाचाली थई जे बाद आरोपीए पोतानी कार में राखेल मोबाइल फोन ना डेटा केबल थी गळू दबावी हत्या करी। त्यारबाद मृतदेह ड्राइविंग सीट नी बाजू में मुकेली 35-40 किलोमीटर फर्यो अने पोताना गाम में आवेला पोताना ढाबा में पहोंच्या अने मृतदेह छुपावी दीधा बाद पोताना घरे जईने बीजी युवती साथे लग्न पण कर्या हता।
लड़कियों को भेजने में बड़े संकोच होगा लोगों को कि इस तरह के वाक्य होते रहे तो कैसे कोई बच्ची सुरक्षित रहेगी और कैसे माँ बाप उसको बाहर भेजेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना माँ बाप का क्या बुरा हाल हो रहा है। और रही बात यह कि जब सबसे बड़ा जो आघात लगा है ना इस बात में कि जो मीडिया ने ये सब दिखाया है ना, ये किसकी सह पे किसने डाला है सारा कि भी वो लीव इन रिलेशन, कोई फ्रेंडशिप बच्चों की दोस्ती स्कूल वकूल में हो जाती, ये किसने बता दिया लीव इन रिलेशन पे? ये तो बिल्कुल आपत्तिजनक है, ऑब्जेक्शनेबल है बिल्कुल। और ये बिल्कुल गलत किया है या ट्रायल कोई फेवरेबल कुछ कर चला रही हो तो बिल्कुल गलत है। इस तरह कभी न्याय मिलेगा नहीं किसी भी बच्ची को। મૃતદેહને કારમાં બેસાડી 44 કિલોમીટર સુધી દૂર તેના ગામ મિત્રો લઈ ગયો, તે આરામથી ગાડી ચલાવતો રહ્યો। નવાઈની વાત તો એ છે કે સાહિલે નિકીનો મૃતદેહ ડ્રાઇવિંગ સીટની બાજુમાં રાખી હતી, જોકે હત્યામાં વપરાયેલી કાર સહિત ના સાહિલના ઘરેથી પોલીસને મળી આવી છે। પોલીસ પૂછપરછ દરમિયાન સાહિલને તેની ગર્લફ્રેન્ડની હત્યાનો કોઈ પસ્તાવો નથી, પરંતુ જ્યારે તે અન્ય યુવતી સાથે ફેરા ફરી રહ્યો હતો ત્યારે તેને ચોક્કસપણે નિકી યાદ આવી હતી। પોલીસને શંકા છે કે આરોપી સાહિલ તેની ગર્લફ્રેન્ડ નિકી યાદવના મૃતદેહને એ રીતે નિકાલ કરવા માંગતો હતો જે રીતે શ્રદ્ધા વોકરના મૃતદેહને નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો। અમારી ટીમને બહોત સમયસે ઇસકો જો મેઇન સાક્ષી થા બોડી કો રિકવર કર લિયા વહાં સે ફ્રિજ કી ઇસકી નિશાનદેહી પે વો અકેલા હી બહોત બડા સાક્ષ હૈ જો કી ઇનકો કન્વિક્શન કરને મે સજા દિલવાને મે કાફી મદદગાર હોગા। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियां होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फोरेंसिक जांच कराना, फोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे। तो दिल्ली में निक्की मर्डर की घटना ने लेने निक्की ना पिता आरोपी ने फांसी की सजा आपवानी मांग करी छे। સાહિલ ગેહલોત અને નિકી લાંબા સમયથી ગ્રેટર નોઈડામાં એકબીજા સાથે લિવ ઇન રિલેશનશીપમાં રહેતા હતા, તો આ દરમિયાન બંને દિલ્હી એનસીઆરની બહાર ઘણી જગ્યાએ ફરવા ગયા હતા, તો હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડની મુલાકાતે પણ ગયા હતા, પરંતુ જ્યારે કોરોના આવ્યો અને લોકડાઉન લાગુ થયું ત્યારે નિકી અને સાહિલ બંને પોતપોતાના ઘરે ગયા, પરંતુ પછી પાછા આવ્યા અને દ્વારકામાં ભાડાના મકાનમાં ફરી સાથે રહેવા લાગ્યા। બંને લગભગ એક વર્ષ સુધી દ્વારકામાં સાથે રહ્યા, તો બીજી તરફ નિકી યાદવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઉત્તમનગરમાં રહેતી હતી। પોલીસે આરોપીને સાહિલની ધરપકડ કરી તેની પૂછપરછ કરી છે, જ્યારે નિકીના પિતાએ પોલીસ પાસે આરોપીને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ કરી છે। જિસ આદમી ને મેરી બેટી કો ઇસે અંદર મે મત્તા કરકે મારા ઉસકે સજાએ મોત હોની ચાહીએ, બસ ઓર મે જ્યાદા કુછ નહીં કહે પાઉંગા, મેરા દિમાગ સહી કામ નહીં કર રહા, સબ કુછ યે લિવિંગ બતા રખે ગલત હૈ, ऐसी कोई नहीं बात थी और ये किसको पता है, लेकिन इसने जो भी कराया है इसने इसकी सजाएं मौत होनी चाहिए। न्यायपालिका से हम अनुरोध करते हैं और इसके लिए चाहे पूरा एरिया को इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े, कम से कम इसकी सजाएं मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा दो इसको कम से कम। व्यक्ति से आपकी बात हुई है? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, अभी पता है अभी लग गया था ना। और ये तो इतना गलत नालायक बच्चा था जिस ये बिल्कुल ठीक करे, जब फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया तो इसकी बोटी बोटी भी करता वो और इसको खरबुदर करता और उसके बाद मुझे शादी भी कर ली, तो ऐसे बेटियों के अंदर अत्याचार होता है तो कैसे पढ़ाई करेंगे, बाहर जाकर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश बिन लाइसेंसधारी हथियार राखवा बाबते देश में सौथी मोखरे छे, तो सुप्रीम कोर्टे यूपीमां लायसेंस वगरना हथियारों राखवा मामले सो मोटो हाथ धरी हती, जेमां सुप्रीम कोर्टे कह्युं छे कि यूपीमां बिन लायसेंसी हथियारोनुं चलन हैरान करी मूके तेवुं छे। આ અમેરિકા નથી કે જ્યાં હથિયાર રાખવા મૌખિક અધિકાર આપવામાં આવ્યા હોય। સુપ્રીમ કોર્ટે યુપી સરકાર પાસે લાયસન્સ વગરના હથિયાર રાખવા મામલે કેટલાય કેસ નોંધાયા છે તે અંગે જવાબ માંગ્યો છે, સાથે જ કહ્યું છે કે રાજ્ય સરકારે લાયસન્સ વગરના હથિયારો પર રોક લગાવવા માટે કયા પગલાં ભર્યા છે તે પણ જણાવે। તો આ ઉપરાંત કોર્ટે પૂછ્યું છે કે છેવટે કેમ યુપીમાં હથિયારો સંબંધિત ઘટનાઓ બને છે, હવે યુપી સરકાર આ મામલે બે અઠવાડિયામાં જવાબ આપે, ખરેખર યુપીમાં ગન કલ્ચર અંગે પહેલાથી જ સવાલો ઉઠતા રહ્યા છે, પણ યુપી સરકારે તેના પર ફરજિયાત જવાબ આપશે। સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશનની ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો। સીબીએસઈએ 2023ના સમયપત્રક બહાર પાડ્યું હતું, જે મુજબ ધોરણ 10ની 21 માર્ચ સુધી અને ધોરણ 12ની 5મી એપ્રિલ 2023 સુધી પરીક્ષા ચાલશે। દર વર્ષે કુલ 38 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપે છે, જેમાંથી 21,86,940 વિદ્યાર્થીઓ હાઈસ્કૂલમાં અને 16,96,770 વિદ્યાર્થીઓ
इंटरमीडिएट मास्टरे कोविड 19 ना कारणे 2020 मा गत 2 वर्ष सुधी परीक्षाओ प्रभावित थया बाद हवे विद्यार्थीओ पाछा सामान्य रीते बोर्डनी परीक्षाओ मा सामेल थया छे। एटले के कोरोना महामारी बाद सीबीएसई बोर्डे जूनी पेटर्न मा परीक्षानु आयोजन कर्यु छे। मेरे यहाँ से 100 बच्चे यहाँ पे पेपर देने आए हैं और सारे बच्चे डेफेंडम हैं। तो इन लोग की मतलब क्या कुछ कैसे आप लोग तैयारी कराते हैं क्योंकि ये बोल सुन नहीं सकते हैं? हम इनकी साइन लैंग्वेज से इनकी तैयारी कराते हैं और लिप रीडिंग से और स्पीच रीडिंग से इनकी तैयारी कराई जाती है। आज तो क्योंकि पेंटिंग का पेपर है तो हाँ जी पेंटिंग का थोड़ी का पेपर है, प्रैक्टिस तैयारी अच्छी से हुई हुई है, सब बच्चों ने याद किया हुआ है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और बच्चे आराम से कर लेंगे। કાશ્મીર હિમાચલમાં ભારે હિમવર્ષાના કારણે મેદાની વિસ્તારમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। હાલ દિવસે ગરમીના કારણે તાપમાન સામાન્ય વધારો થશે, જોકે ગુજરાતમાં રાત્રિ દરમિયાન ઘટાડો થવાની તથા દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદની શક્યતા છે। પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણાના વિસ્તારોમાં સવારે તીવ્ર ગતિએ પવન ફૂંકાયો હતો, જેથી વાતાવરણ ઠંડુ થઈ ગયું। જોકે દક્ષિણ ભારતના અનેક ભાગોમાં વરસાદનો પ્રકોપ જોવા મળ્યો, જેથી તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાયો। તો આ સાથે હવામાન વિભાગે દેશના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની ચેતવણી પણ આપી છે। તો હવામાન વિભાગ મુજબ ગુજરાત, બિહાર, રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ સહિત કેટલાક રાજ્યોમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં 3 ડિગ્રી સુધીનો ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે। ઇન્ટરનેટ સર્ચના ભવિષ્યને લઈને ટેક જાયન્ટ્સ ગૂગલ અને માઇક્રોસોફ્ટ વચ્ચેની ટક્કર ચાલી રહી છે, જેમાં હાલ ચેટ જીપીટી ખૂબ જ ચર્ચામાં છે। અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે યુપીઆઈ અને ઓપન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બે ટેકનોલોજીનું એકીકરણ લોકોને તેમની સ્થાનિક ભાષામાં વધુ સરળ સાથે મોકલવા માટે સક્ષમ બનાવશે। સરકાર આગામી 10 થી 12 મહિનામાં ડિજિટલ ક્રેડિટ સિસ્ટમના સંપૂર્ણ રોલઆઉટ પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે। તો ભાષણી મિશન સાથે જોડવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલયની એક ટીમ વોટ્સએપ પર આધારિત ચેટબોટ બનાવી રહી છે, જે પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો આપવા માટે ચેટ જીપીટી દ્વારા જનરેટ કરવામાં આવેલી માહિતી પર આધાર રાખશે। એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે વપરાશકર્તાઓ ખાસ કરીને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં ખેડૂતો વર્ગ છે, તો તે માટે આ પ્રકારની સુવિધા વિકસાવવામાં આવી રહી છે। જો તેમના પ્રશ્નો તે ટાઈપ કરવા સક્ષમ નથી તો તે વોઇસ નોટનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્નો ચેટબોટ પર મૂકી શકશે। કોરોનાના કપરાકાળમાંથી બહાર આવ્યા બાદ વૈશ્વિક અર્થતંત્રે હળવી મોનિટરી પોલિસીને કારણે મોંઘવારીનો સામનો કરવો પડ્યો છે, ત્યારે આઈએમએફએ ચેતવણી આપી છે કે વૈશ્વિક અર્થતંત્રને હજુ પણ કપરી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડશે। તો આઈએમએફના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ક્રિસ્ટાલિના જ્યોર્જ એવાએ કહ્યું છે કે નિવેદનમાં એક જણાવ્યું છે કે ઘણા દેશમાં ફુગાવાની અસર ઓછી જોવા મળે છે, પરંતુ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર હજુ પણ મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે। તેમણે સેન્ટ્રલ બેંકના વડાને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે વર્ષ 2023માં વિકાસ દર ધીમો પડી રહ્યો છે, જેથી લિક્વિડિટી વધારવા અને વોલેટાલિટીને વધુ સારી રીતે નિયંત્રણ કરવા પર પોલિસ મેકરે કામ કર્યું છે। દેશના સામાન્ય લોકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલની કિંમત પર ફરી એકવાર રાહત મળવાની શક્યતા છે। ભારત સરકાર ઇંધણ પર ટેક્સ ઘટાડે તેવી સંભાવના છે, જો આમ થશે તો મે 2022 પછી પ્રથમ વખત પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ટેક્સમાં ઘટાડાને કારણે ઓછા થશે। સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર ફુગાવા પર અંકુશ મૂકવા માટે સરકાર ઇંધણ પરનો ટેક્સ ઘટાડી શકે છે, જોકે ફેબ્રુઆરીના ફુગાવાના આંકડા જાહેર થયા પછી જ કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવશે। ડિસેમ્બરમાં ભારતનો રિટેલ ફુગાવો 5.72% હતો, જે જાન્યુઆરીમાં વધીને 6.52% થયો છે, જે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના લક્ષ્યાંક કરતા વધારે છે। તો નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા અનુસાર ખાદ્ય ફુગાવો હજુ પણ વધારે રહેવાની શક્યતા છે, દૂધ, મકાઈ, ખાદ્યતેલ સહિતની વસ્તુઓ ફુગાવા પર દબાણ વધારી શકે છે। તો સરકાર મકાઈ જેવા ઉત્પાદનો પર આયાત ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવાનું વિચારી રહી છે। વિશ્વના સૌથી ધનાઢ્ય વ્યક્તિ અને ટ્વિટરના માલિક એલન મસ્ક હર હંમેશા હટકે કામ કરવા માટે જાણીતા છે। ફરી તેમણે પોતાના એક જૂના ટ્વીટ અને રોકાણ સંદર્ભે એક મહત્વનું ટ્વીટ મજાકમાં કર્યું છે। ટેસ્લા અને ટ્વિટરના સીઈઓ એલન મસ્કે એક શ્વાનને ટ્વિટર પર નવા સીઈઓ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે। તો ફ્લોકી નામના ડોગનો ફોટો શેર કરતા એલન મસ્કે લખ્યું છે કે ટ્વિટરના નવા સીઈઓ અદભુત છે, તે બીજા માણસ કરતા ઘણા સારા છે। મસ્કે ફ્લોકીને નોકરી માટે વધુ એક યોગ્ય ગણાવ્યો છે। મસ્કે અન્ય એક ટ્વિટરમાં ફ્લોકીને સ્ટાઇલની પણ પ્રશંસા કરી છે। આટલું જ નહીં, મસ્કે ફ્લોકીને નંબર્સમાં પણ વધુ સારો ગણાવ્યો છે। આ અગાઉ પરાગ અગ્રવાલ ટ્વિટરની સીઈઓ હતા, પરંતુ મસ્કે ટ્વિટરના માલિક બન્યા બાદ પરાગ અગ્રવાલને હાંકી કાઢ્યા હતા।
पराग अग्रवाल ने काढ़ा बाद एलन मस्क ने आखरे ट्विटर नो नवो सीईओ मड़ी चुक्यो छे।